And earlier, Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu, Deputy Chief Minister Chowna, Health Minister Libang, along with State Chief Secretary Naresh Kumar, visited the Tomo Riba Institute of Health and Medical Sciences in Naharlagun, which has been declared as a COVID-19 hospital in state. It may be mentioned here that 1,800 personal protection equipment will arrive at Itanagar by today, and accordingly, it shall be distributed throughout the districts. पीपी का जो स्टेटस है 1800 आज डिब्रूगढ़ में स्पेशल एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के माध्यम से आज लैंड हुआ है और शाम तक बाय इवनिंग यहां पहुंच जाएंगे और जितना भी यहां पे रिक्वायरमेंट है उसको रख के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को भी हम लोग डिस्बर्समेंट कर देंगे और आने वाला 3-4 दिन में और भी क्वांटिटी में पीपी जो अच्छा क्वालिटी वाला वो यहां पे जल्दी आएंगे. And currently, the COVID hospital in TRIHMS has 300 beds and 4 ventilators have been installed. यहाँ पे इंस्पेक्शन किया है तो कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल TRIHMS को किया हुआ है और यहाँ में अभी जितने भी हमारा सीनियर डॉक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ में भी मीटिंग हुआ है तो उन लोगों का प्रिपरेशंस पूरा अच्छा है. पूरा वार्ड भी रेडी है. 300 बेडेड तक का कैपेसिटी है TRIHMS और ICU यूनिट्स भी हमने चेक किया और हमारा वेंटिलेशन 4 लगा हुआ है और भी रास्ता में है. तो सरकार की ओर से पूरे स्टेट भर में हम लोग ने टारगेट किया है कि मिनिमम 50 वेंटिलेटर्स अक्रॉस द स्टेट हम लोग बिठाएंगे जिसमें TRIHMS और पासीघाट प्रायोरिटी सेक्टर ये होगा. इसके बाद जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है वहाँ भी वेंटिलेशन का फैसिलिटी दिया जाएगा. सुबह हमने यहाँ का जो कोऑर्डिनेशन पापुम वाली डिस्ट्रिक्ट का वहाँ डॉक्टर से बात किया तो उनका ये कहना था कि जो स्टूडेंट्स और बाहर से जो आ रहे हैं उन्हें स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया गया था कि वो होम क्वारंटाइन में रहे, लेकिन ऐसे खबर मिल रही है कि वो लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं. तो उन सभी को आप क्या कहना चाहेंगे एज ए चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं? ये रिपोर्ट इनफैक्ट हमें पहले भी मिला था तो खास करके डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोग हमारा स्टूडेंट्स हो या उस वक्त में जो भी आउटब्रेक हुआ था जो लोग बाहर में था वापस अपना अपना रेस्पेक्टिव जगह में पहुँच गया तो हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो क्वारंटाइन का जो SOP है उसको अच्छा से फॉलो हो रहा है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ट्विन कैपिटल सिटी है ये इटानगर और नाहरलगन, यहाँ में जितने भी स्टूडेंट्स या उस वक्त में जो बाहर से आए हैं उनको डिपार्टमेंट की ओर से हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन में बैठने के लिए इंस्ट्रक्शंस बार बार देने का बावजूद भी वो लोग केयरलेस करके जो घूम रहा है बाहर निकल रहा है ये बहुत ही ख़राब है. अपना आपके लिए भी अच्छा नहीं है, फैमिली लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है और पूरा सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है. तो मैं मीडिया के माध्यम से आप सबको ये अपील करना चाहेगा कि ये कोरोना वायरस बहुत ही एक डेडली एक वायरस है. इसको कंटेन करने के लिए आप लोगों को स्ट्रिक्ट जो SOP दिया है क्वारंटाइन के लिए उसको आप लोग स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कीजिए. And on the other hand, the Arunachal government has appealed retired health professionals to volunteer themselves in order to strengthen the public health system and ensure concrete preparedness against COVID-19. The interested health officials have been requested to contact the director of health services at Naharlagun. But then right now, of course, as of now, all the active working doctors are probably sufficient to hold the fort. But in eventuality, when we have many patients, and in fact some of our working doctors fall sick or they tested positive, in that case we may need additional manpower. But the question regarding the retired doctors is that they are mostly over age 60 and they are much older. So whether they will be able to or will be it will be ethical to employ them in the field situation is a question. But then definitely if situation comes to that, we might use their help, need their help also. But then of course at this moment also for other management, other supportive, consultative duties and other things, we can take their help. Yeah, so this of course I think it is government has to take a call on that. In fact, we have passed around words requesting people who are available, maybe not engaged anywhere, to come forward for voluntary service and help us. So we can always keep them in the second line of, force. So we are most welcome. As of now, is there any volunteers, doctors? Who are... So far, to my my knowledge, nobody has come forward. Okay. But we expect that maybe there are a few who will come forward. Okay.